हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपका जो पासबुक आप जब डाउनलोड कर रहे हो या तो आप अपना पीएफ चेक कर रहे हो, तो आपका पासबुक वहां पे शो नहीं हो रहा है और आपको वहां से पता नहीं चलता कि आपका पीएफ कटा कितना जमा हुआ है, वो आपको नहीं पता था चल सकता। तो आपको मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ कि वो क्या प्रॉब्लम है और कैसे क्यों आपको वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये मेरे फ्रेंड को भी यही प्रॉब्लम था तो उसने मुझे बताया, तो फिर मैंने उसको उसका सॉल्यूशन बताया तो वो समझ में आ गया उसको। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ही बना डालता हूँ ताकि जिस लोगों को नहीं पता हो सबको पता चल जाए कि क्यों वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब शो नहीं हो रहा है और आपकी सैलरी स्लिप से जब कटता है पैसा, तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जो कंपनी है वो हमें बेवकूफ़ बना रही है, जो हमारा सैलरी से पैसा वो काट रही है मगर वो जमा नहीं करती। मगर ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहा है फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले जो हमारा जो पैसा कट रहा है तो कंपनी क्या करती है, वो ईपीएफओ में जमा करवा देती है, और कुछ कंपनी जो है उसमें से वो अपना खुद ट्रस्ट में रखती है। तो जो ईपीएफओ में जो कंपनी पैसा जमा करवा देती है तो वो वहाँ पे आपको पासबुक वहाँ पे शो होगा और वहाँ पे से आप अपना पीएफ एडवांस या फुल एंड फाइनल भी उठा सकते हो ईपीएफओ की वेबसाइट से। मगर जब आपका पीएफ जो है वो सिर्फ ओनली फॉर जो वो ट्रस्ट में जमा हो रहा है फ्रेंड, तो वहाँ वो आपको पासबुक वहाँ पे शो नहीं होगा और वहाँ से आप ईपीएफओ की वेबसाइट से वो पीएफ पैसा आप नहीं उठा सकोगे। उसके लिए आपको वो पैसा चेक करना है और देखना है कि आपको कितना जमा हुआ है। तो जो आप उसका एचआर का कांटेक्ट कीजिएगा तो वहाँ पे आपको बताएगा, या तो उसका कोई एप्लीकेशन होगा या कोई वेबसाइट होगा तो वो आपको वहाँ से बता देगा। और आपको जब पीएफ विड्रॉ करना है तो उसके भी लिए आपको एचआर का ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। शायद वो लोगों ने कोई एप्लीकेशन रखा हो तो उसमें से आप उसमें ऑप्शन आता हो विड्रॉ के लिए, और या फिर उसका कोई वेबसाइट हो, या तो फिर आपको मैन्युअली उसका फॉर्म भरना है और फिर वहीं आपको एचआर को जमा करवाना होता है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप कर सकते हो फ्रेंड। तो आपको समझ में अब आ गया होगा फ्रेंड कि वहाँ पे आपको जो लोगों को वहाँ पे शो नहीं हो रहा पासबुक और वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि आप एचआर का कांटेक्ट कीजिए, तो उसका मतलब यही होता है, या तो आपका ट्रस्ट का कांटेक्ट कीजिए, तो उसका मतलब यही होता है फ्रेंड कि आपका जो पीएफ का जो पैसा है वो 100% कंपनी काटती है और जमा भी करती है, और ब्याज भी हो तुम्हें जो इंटरेस्ट भी उतना ही देगी जितना ईपीएफओ देती है। वो सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो कंपनी होती है वो कुछ पीएफ ईपीएफओ में जमा करवा देती है आपका पैसा, और कुछ वो खुद अपने ट्रस्ट में रखती है। तो जब ट्रस्ट का पैसा आपको निकालने के, आपको एचआर का ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा फ्रेंड, और वहाँ पर आपको शो नहीं होगा। तो फ्रेंड ये आप बात आपको अब क्लियर समझ में आ गई होगी फ्रेंड कि आपको वहाँ पर पासबुक पर क्यों शो नहीं कर रहा है। मगर आपका पैसा 100% कटता होता है फ्रेंड, सैलरी स्लिप में आपको दिखाई भी देगा, तो आपको ये आपको एचआर का ही कांटेक्ट करना पड़ेगा वो पीएफ निकालने के लिए। और वो पीएफ को या तो फिर आपको जब वो जॉब छोड़ देते हो और कोई नई जॉब छोड़ ज्वाइन करते हो और वो पैसा आपका फिर ईपीएफओ में जो वो कंपनी नई कंपनी है वो उसमें कन्वर्ट कर दे, और जब वो जमा करती है तो उसको उसमें कैसे ट्रांसफ़र करना, उसके लिए मैं एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो वो आप देख लीजिएगा कि आपको जब अपना ट्रस्ट का पैसा ईपीएफओ में कैसे ट्रांसफ़र करना, उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा मैं, और एक वीडियो फिर और एक बना दूंगा आपको बनाऊंगा आपके लिए कि जो उसमें आप ये चेक कर सकोगे, जैसे या तो आपने नया जॉब ज्वाइन कर लिया है या तो आप फिर ज्वाइन करने वाले हो, तो उस कंपनी का आपको सिर्फ नाम डालना है उसमें, तो आपको पता चल जाएगा अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पैसा ये जो कंपनी है वो ईपीएफओ में काट रही है, काटेगी जमा करवाएगी या फिर अपने ट्रस्ट में रखेगी, तो आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो में वो दोनों वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने जानकारी दी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।